सो हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू क्रिकेट मेज। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच एक बहुत बड़ी सीरीज़ के एंड तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर जो T20 मैचेस थे, जिसके अंदर 5 T20 मैचेस खेले गए थे, वो सभी के सही बॉलर एक्साइटिंग थे। 2 सुपर ओवर्स भी हमें वहां पर देखने को मिले थे। ODI सीरीज़ भी ठीक ठाक थी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं गई थी। जहाँ पर अब बारी है टेस्ट सीरीज़ की, जिसके अंदर टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच खेलने वाली है और इंडिया यही कोशिश करेगी कि इस टेस्ट सीरीज में वापस से बाउंस बैक करे और एक चैंपियन टीम बन के उभर के आए, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मैच इंपॉर्टेंट है। इन दोनों मैचेस में इंडिया हारी, जीती या फिर ड्रॉ रही, सभी का इम्पैक्ट टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें पड़ने वाला है। इस लिहाज से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है और टफ भी रहने वाला है ये सीरीज़, क्योंकि इंडिया ने हर बार स्ट्रगल किया है। जब भी इंडिया बाहर की पिचेस में जाती है, जो बाउंसी ट्रैक होते हैं वहाँ पर इंडिया के पेशेंट स्ट्रगल करते हैं, तो देखने लायक बात यह हुआ कि इंडिया अब का जो अप्रोच है वो इस सीरीज़ में कैसा रहता है। जब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोनों ही टीमों के टेस्ट स्क्वाड के बारे में, क्योंकि जो फाइनल ऑफिशियल स्क्वाड है वो दोनों ही बोर्ड्स ने अनाउंस कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों स्क्वाड के बताने वाला हूँ। नहीं, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ID आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो चलिए हम लोग स्क्वाड की बात करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम की। तो न्यूजीलैंड की टीम में जो बैट्समैन होने वाले हैं वो है कप्तान केन विलियमसन, टॉम बंडल, मार्टिन गप्टिल, टॉम लेथम, हेनरी निकलस और रॉस टेलर। वहीं अगर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहां पर रखा गया कॉलिन डी ग्रैंडहोम को, जेम्स नीशम को और मिचेल सैंडर को। वहीं अगर न्यूजीलैंड के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर रखा गया एच बेनिट को, मार्क चैम्पमैन को, काइल जैमसन को, स्कॉट कुजेलियन को, इस शोडी को, टिम साउदी को और ब्लेयर टिकनर को। जहां पर न्यूजीलैंड की अगर टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो आप यही पाएंगे कि न्यूजीलैंड का जो T20 स्क्वाड है और जो ODI स्क्वाड था उसका कॉम्बिनेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे 1-2 प्लेयर जैसे कि ट्रेंट बोल्ट हो गए, लॉकी फर्गसन हो गए, वो दोनों ही सीरीज में अवेलेबल नहीं रहने वाले, क्योंकि वो अभी इंजरी से जूझ रहे हैं, जहाँ पर वो अभी 100% फिट नहीं है। इसी के वजह से इस सीरीज़ में उनको बाहर रखा गया है और इसी के वजह से न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा वीक रहने वाला है और इंडिया को यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बात करते हैं इंडिया के स्क्वाड की। तो इंडिया के स्क्वाड में जो बैट्समैन होने वाले हैं वहाँ पर रखा गया विराट कोहली को, अजिंक्य रहाणे को, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, चितेश्वर पुजारा, रिद्धिमान शाह और पृथ्वी शॉ को रखा गया है। जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो रोहित शर्मा है वो ऑब्वियसली इंजर्ड हो गए हैं, वो इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं, इसी के वजह से 1-2 नए फेसेस आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करें थे ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स में 3 प्लेयर मौजूद है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा और हनुमा विहारी। जहाँ तक बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो अभी के लिए तो बॉलिंग लाइनअप में 5 प्लेयर्स को रखा गया है, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा जो कि चोटिल चल रहे हैं लेकिन उसके बारे में भी उनको रखा गया है, अगर वो चोट से उभर पाए तो वो खेल लेंगे, नहीं तो वो नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा उमेश यादव को भी इस सीरीज़ के लिए चूज़ किया गया है। तो ये तो थी दोनों ही टीमों की 15 मेंबर स्क्वाड जो टेस्ट मैचेस में वो खेलती हुई नजर आएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।